गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा सनशाइन होटल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध आते दिखाई गए, जिन्होंने चेकिंग द्वारा रोके गया, पर कितने पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में बदमाश अली मोहम्मद गोली लगने से घायल हो गया, जिनको गिरफ्तार कर उपचार हेतु पुत्ताल में भर्ती किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। थाना लिंक रोड क्षेत्र में सूर्यनगर में आज सुबह चेकिंग की जा रही थी। यहाँ जो चेकिंग स्टाफ है उसको सूचना मिली कि रेड पल्सर पे सवार कुछ बदमाश यहाँ पे देखे गए हैं और उनको ट्रेस किया गया और उनका पीछा किया गया, तो यहाँ कड़कड़ मॉडल का जो गेट है रेलवे वाला, यहाँ इसके पास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम अली मोहम्मद है वो घायल हुआ है। फायर आर्म इंजरी है उसको, पैर में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। और ये दिल्ली और NCR क्षेत्र में इसके ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे अभी तक पता चले हैं और ये गृह भेदन के मामलों में काफ़ी सिद्धहस्त है और इसको काफ़ी समय से तलाश की जा रही थी। ये एक लिंक रोड क्षेत्र में ही सूर्यनगर में नवंबर माह में ही एक गृह भेदन की घटना हुई थी, जिसमें ये वांटेड था और उच्चाधिकारियों के द्वारा इसके ऊपर उस मामले में 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। इसके पास से एक रेड कलर की पल्सर बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा, कुछ कारतूस वगैरह और एक चेन बरामद हुई है और जो आगे लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। एक बदमाश इसके साथ और था, वो फरार हो गया है, उसकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई हैं, आगे जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। सूर्यनगर में जो चोरी हुई थी उसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, तो उससे कुछ मदद मिली थी? सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही इसकी पहचान की गई थी, उस जो पुरानी चोरी है, और उसके बाद ही इसको उस मामले में वांटेड किया गया था।